स्टूडेंट्स हाउ आर यू वेलकम टू एस वी एस इंग्लिश क्लासेस वी आर हेयर टू स्टडी द समरी ऑफ द पोएम फ्रॉम द पोएम ऑन किलिंग अ ट्री कंपोज्ड बाय गीव पटेल के द्वारा कंपोज की गई पोएम ऑन किलिंग अ ट्री एक पेड़ के काटने पर या एक पेड़ की हत्या करने पर ये पोएम का शीर्षक है। इसका हम आपको पोएम का सारांश समरी यहाँ पर एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। इट इज नॉट ईजी टू किल अ ट्री एक पेड़ को मारना आसान नहीं है। इट इज नॉट ईजी आसान नहीं है टू किल मारना या हत्या करना अ ट्री एक पेड़ की हत्या करना या एक पेड़ को मारना आसान नहीं है। जस्ट वुंडिंग इट विद अ नाइफ विल नॉट हार्म द ट्री जस्ट वुंडिंग मीन्स होता है घायल करना। जस्ट मीन्स मात्र या केवल। इट इसको पेड़ को विद अ नाइफ एक चाकू से विल नॉट हार्म नुकसान नहीं करेगा द ट्री पेड़ को। चाकू से एक पेड़ को घायल करने से उसे कोई हानि नहीं होगी उसे कोई नुकसान नहीं होगा। इट इज बिकॉज द ट्री इज वेरी स्ट्रांग। इट इज बिकॉज ऐसा इसलिए है क्योंकि द ट्री इज पेड़ है वेरी स्ट्रांग बहुत शक्तिशाली। क्योंकि पेड़ बहुत शक्तिशाली होता है पेड़ बहुत मजबूत होता है पेड़ बहुत ताकतवर होता है इसलिए किसी भी चाकू से पेड़ को घायल करने से उसे कोई हानि नहीं होगी। इट हैज फेड ऑन द सॉइल। इट हैज फेड इसने भोजन किया है पोषण लिया है ऑन द सॉइल जमीन से मिट्टी से यानी पेड़ ने मिट्टी से पोषक तत्वों को ग्रहण करके वृद्धि की है भूमि से भोजन लेकर के पेड़ बड़ा हुआ है। इट हैज सक्ड इन एयर एंड सनलाइट टू ग्रो अप। इट हैज सक्ड इसने सोखा है चूसा है इन एयर वायु को एंड सनलाइट और धूप को टू ग्रो अप बड़ा होने के लिए यानी कि पेड़ धूप और वायु को सोख करके बड़ा हुआ है या बड़ा होने के लिए पेड़ ने वायु और धूप को सोखा है अर्थात ग्रहण किया है। इट पुट्स फोर्थ न्यू लीव्स ये नई नई पत्तियों को उत्पन्न करता है पैदा करता है या इस पेड़ से नई नई पत्तियां निकलती हैं। यू माइट ट्राई टू किल इट विद एन एक्स। यू माइट ट्राई तुम प्रयास कर सकते हो ट्राई मीन्स कोशिश करना या प्रयास करना चेष्टा करना टू किल मारने के लिए हत्या करने के लिए इट पेड़ को विद एन एक्स कुल्हाड़ी से तुम कुल्हाड़ी से पेड़ की
हत्या करने की कोशिश कर सकते हो। इट्स बार्क विल बी बैडली वुंडेड। इट्स बार्क, बार्क मीन्स कहते हैं छाल, छिलका, यानी पेड़ की खाल, पेड़ की छाल। विल बी हो जाएगी, बैडली बुरे तरीके से, वुंडेड घायल, पेड़ की छाल बुरे तरीके से घायल हो जाएगी, जख्मी हो जाएगी। इवन इफ यू हैव कट इट डाउन, इट विल पुट फोर्थ न्यू ट्विग्स। इवन इफ, यदि यू हैव कट इट डाउन, यदि तुम इसे काट भी देते हो, किसको, पेड़ को, तो क्या होगा, इट विल पुट फोर्थ न्यू ट्विग्स। इट विल पुट फोर्थ, ये निकालेगा, पैदा करेगा, या इसमें से निकलेंगी न्यू ट्विग्स, नई टहनियाँ। यदि हम पेड़ को पूरे तरीके से घायल कर देते हैं, यदि हम उसे पेड़ को काट डालते हैं, तो भी उससे नई टहनियाँ निकल आएंगी। आफ्टर सम टाइम द ट्विग्स विल ग्रो इन टू थिक ब्रांचेज अगेन। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के पश्चात, द ट्विग्स टहनियाँ विल ग्रो, बड़ी हो जाएंगी, विकसित हो जाएंगी, इन टू थिक, थिक मीन्स बड़ी बड़ी मोटी ब्रांचेज, शाखाओं में, अगेन पुनः, कुछ समय के पश्चात टहनियाँ पुनः मोटी शाखाओं में विकसित हो जाएंगी या मोटी शाखाओं में बदल जाएंगी। सो चॉपिंग एंड हैकिंग विल नॉट किल द ट्री आइदर। सो इसलिए यह अतः है, चॉपिंग मीन्स टुकड़े टुकड़े करना, पेड़ के टुकड़े टुकड़े करने, एंड हैकिंग और कुल्हाड़ी से काटने से विल नॉट किल, नहीं मरेगा द ट्री, पेड़, आइदर किसी प्रकार से। अतः है पेड़ के टुकड़े टुकड़े करना, चॉपिंग मीन्स टुकड़े टुकड़े करना, और कुल्हाड़ी के कुल्हाड़ी से काटने से भी पेड़ को किसी प्रकार से कोई हानि नहीं होगी, पेड़ नहीं मरेगा। यानी कि हम उसे कुल्हाड़ी से काट दें या उसके टुकड़े टुकड़े कर दें तो भी पेड़ नहीं मरेगा, वह जिंदा ही रहता है। सो टू किल अ ट्री यू हैव टू अपरूट इट कम्प्लीटली। आगे पोएट कहता है, सो इसलिए टू किल अ ट्री, एक पेड़ को मारने के लिए, एक पेड़ की हत्या करने के लिए, यू हैव टू अपरूट, अपरूट में जड़ से उखाड़ना, उखाड़ फेंकना, इट इसको, किसको, पेड़ को, कम्प्लीटली पूर्ण रूप से। इसलिए एक पेड़ को मारने के लिए आपको इसे पूर्ण रूप से जड़ से उखाड़ फेंकना होगा। यू कैन डू इट बाय टाइंग रोप्स एंड पुलिंग इट आउट विद वायलेंट जर्क। यू कैन डू इट, तुम ऐसा कर सकते हो, पेड़ को उखाड़ सकते हो, तुम ऐसा कर सकते हो, बाय टाइंग, बांधकर, रोप्स, रस्सियाँ, तुम ऐसा या आप ऐसा पेड़ में रस्सियाँ बांध करके कर सकते हो, पेड़ में रस्सियाँ बांध करके उसको उखाड़ सकते हो पूर्ण रूप से, एंड पुलिंग इट आउट, और उसे उखाड़ करके बाहर निकाल सकते हो, उखाड़ फेंक सकते हो, विद वायलेंट जर्क, वायलेंट कहते हैं तीव्र या जोर से, जोरदार, जर्क मीन्स झटके से, यानी कि उस पेड़ में रस्सी को बांध करके जोर से झटके लगा करके हम उसे जमीन से उखाड़ फेंक सकते हैं। वंस
द रूट इज आउट द ट्री लूज इज ऑल इट्स स्ट्रेंथ वंस एक बार द रूट इज आउट एक बार जड़ों को बाहर निकाल दिया जाता है एक बार जड़ें जमीन से बाहर निकाल दी जाती हैं तो द ट्री पेड़ लूज इज खो देता है ऑल इट्स स्ट्रेंथ स्ट्रेंथ कहते हैं ताकत या शक्ति एक बार जड़ को जमीन से बाहर निकाल दिया जाता है तो पेड़ की क्या होता है सारी शक्ति खो जाती है या पेड़ अपनी सारी शक्ति को खो बैठता है बट इवन देन इट इज नॉट डेड बट परंतु इवन देन फिर भी इट इज नॉट डेड ये मरता नहीं है पेड़ मरता नहीं है सूखता नहीं है इट विल बी डेड व्हेन इट ड्राइज अप इट विल बी डेड ये तब मरेगा पेड़ तब मरेगा व्हेन इट ड्राइज अप जब ये सूख जाता है पेड़ तभी मरता है जब वह सूख जाता है इट इज अनेबल टू स्प्राउट अगेन इट इज अनेबल यह असमर्थ हो जाता है टू स्प्राउट निकालने में उत्पन्न करने में क्या पत्तियां या टहनियों को अगेन पुनः और इस प्रकार जब पेड़ सूख जाता है तो मर जाता है और इस प्रकार से पेड़ नई नई पत्तियों को या टहनियों को उत्पन्न करने में असमर्थ हो जाता है अर्थात जब पेड़ सूख जाता है तो उससे नई नई टहनियाँ या पत्तियाँ उत्पन्न नहीं होती हैं नहीं निकलती हैं तो ये था हमारा ऑन किलिंग ए ट्री नाम की पोएम की समरी आशा करते हैं कि आपको समझ में आई होगी समझ में आई तो वीडियो को लाइक कीजिए चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इसी प्रकार की वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और हाँ अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए उन्हें भी बताइए ताकि वो भी इस प्रकार से अपनी स्टडी का लाभ पूरा पूरा उठा सकें फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ टिल देन टेक केयर बाय बाय